पूरे रतलाम जिले में 1297 पोलिंग बूथ है, जिसमें से 310 क्रिटिकल पोलिंग बूथ है। और पूरे जिले में अगर देखेंगे तो लगभग 4000 के आसपास पूरा पुलिस फोर्स लगा हुआ है। पोलिंग बूथ पे हमारे सुरक्षा कर्मी है और साथ साथ में 113 सेक्टर मोबाइल है जो लगातार भ्रमण पे है। 8-8, 10-10 पोलिंग बूथ को वो देख रही है और इंश्योर किया हुआ है कि सभी जगह पर जो है वो पीसफुल और प्रॉपर तरीके से मतदान हो। शाम को जो है वो ईवी मशीन भी आ जाएंगी तो उनकी सुरक्षा किस तरह से रहेगी? हाँ, उनकी सुरक्षा के लिए जो पोलिंग बूथ पे एक तो पुलिस फोर्स लगा हुआ है वो साथ में रहेगा ही, और साथ साथ में जो सेक्टर मोबाइल है वो उसका एस्कॉर्ट करते हुए स्ट्रांग रूम तक लेके आएंगे। उसके अलावा स्ट्रांग रूम में जो है वो 3 सुरक्षा चक्र भी लगे हुए, जिसके अंदर CAPF का, बीच में SAF का और सबसे पेरिफेरल एरिया में जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स का सुरक्षा चक्र रहेगा। ये जैसे ही पोलिंग जो ईवीएम मशीन है वो स्ट्रांग रूम में आ जाएगी, उसके बाद में ये फंक्शन हो जाएगा। नहीं, अभी तक जो है वो शांति से और बढ़िया तरीके से मतदान जो है वो चल रहा है। सुबह से ही लोगों में काफी एंथुसियाज्म भी है, लोग वोटिंग के लिए आ भी रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें भी है और हम लोग शांति से और निर्भीक तरीके से वोटिंग करवाना सुनिश्चित करवा रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।